इस मार्च को हम ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए खोल रहे हैं। इस साल इस बाग में 15 लाख के करीब फूल होंगे, जिनमें 68 वैरायटीज ट्यूलिप्स की हैं। 6 वैरायटियां हमने इस साल ट्यूलिप्स में और बढ़ाई हैं। ट्यूलिप्स के अलावा इस गार्डन में और भी किस्म के फूल जो है वो देखने को मिलेंगे, जिनमें डेफोडिल्स हैं, जिनमें हायसेंस हैं, जिनमें मस्करीज हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग ब्लूमिंग ट्रीज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं। आप अगर अभी देखेंगे दाएं बाएं जो हैं आपको मिलेंगे, पूरी जो फोरसीथियाज हैं ब्लूम पर हैं, इसी तरह एप्रिकॉट्स जो हैं वो भी ब्लूम पर हैं, इसी तरह से मैग्नोलियाज के डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्लूम पर हैं। तो कुल मिलाकर ये गार्डन जो है इट्स वेरी रिच एंड फ्लोरिफरस, और आई होप एवरीबॉडी हु विजिट्स द गार्डन वो इसे मुतासिर होगा और उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। मेरी अपील ही लोगों को होगी, गुजारिश लोगों को होगी कि मेहरबानी करके खाने पीने की चीज़ें, प्लास्टिक मटेरियल या पॉलीथीन पैकेजेस ऐसा कुछ गार्डन में ना लाए, क्योंकि उससे जो गार्डन है ये पूरा भर जाता है गंदगी से और फिर गार्डन की जो पूरी रौनक है वो ख़राब हो जाती है। के हवाले से अगेन आई वुड मेक रिक्वेस्ट टू द पीपल कि इन केस देर इज़ एनी एडवाइजरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसमें हमारे साथ वो पूरा ताउन करें और अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, उस एडवाइजरी को लेटर एंड स्पिरिट में वो फॉलो करें। जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट जो है हर तरीके से एवरी काइंड ऑफ एग्जिजेंसी जो है कोविड रिलेटेड उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। अरेंजमेंट्स तो सबसे बड़ी यही है कि अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से साल भर हमने ये गार्डन जो है ये लेआउट किया हुआ है, और इसके अलावा पानी जो है, पानी के हमने यहाँ बड़े सारे आरोज लगाए हुए हैं, तो इसी तरह पब्लिक कन्वीनियंस भी जो है दैट इज़ देयर ऑलरेडी इन द गार्डन। तो इसी तरह से जो हमारी बहनी हैं लैक्टेटिंग मदर्स एंड ऑल, उनके लिए एक ख़ास कमरा हमने मखसूस किया है ताकि इन केस दे नीड टू चेंज द क्लोथिंग्स ऑफ द चाइल्ड और उनको फीडिंग करना है तो वहाँ पर उनको वो सुविधा भी हम दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट जितनी भी एक गार्डन में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमने कोशिश की है वो सारे लोगों को यहाँ पर हम मैसर रखें। देखिए ट्यूलिप गार्डन जो है थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेना चाहूँगा, लोगों को ये लगता है कि परहप्स ये एक आध महीने का काम है, ऐसा नहीं है। ये गार्डन जो है जो ही ये सीज़न अप्रैल का महीना जो ही बंद होता है तब से ये चैलेंज शुरू हो जाता है। पूरे साल भर में इसमें हमारे लोग जो है वो मेहनत करते हैं और इसमें ये लगाते हैं, फूल लगाते हैं। ये फूल लगाना भी मैंने खुद देखा इस महके में जब मैं आया, ये बजाय खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इनका अलाइनमेंट करना, इनका कलर स्कीम करना, और इसका सबसे बड़ी चीज़ टाइम पर लगना, इसकी फ्यूमिगेशन करना, इसकी फर्टिगेशन करना, ये सारी जो है ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ा तो फिर ये है कि अल्लाह ताला का करम कि मौसम जो है, मौसम पर इसका बहुत डिपेंडेंस होता है। अराउंड 16 डिग्रीज का टेम्परेचर जो है ट्यूलिप्स के लिए अच्छा रहता है। कभी कभी मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है जिससे ब्लूम जो है बिल्कुल रुक जाता है, और इस साल मौसम अब एवरेज रहा है तो ब्लूम थोड़ा जल्दी आ गया है। एंड दैट्स वाई दैट्स आंसर टू योर क्वेश्चन कि आप कुछ दिन पहले आए थे, नाउ देर इज़ गुड ब्लूम, वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड ब्लूम दिस ईयर, जो रिकॉर्ड तोड़ होगा। 68 वैरायटीज होंगे और इसमें 6 वैरायटियां हमने इस साल ऐड की हुई है।